आज के क्लास में हम ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट एम बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे एंड ये क्लास स्पेशली बीपीएससी और ईएमआरएस के लिए रहेगी क्योंकि बीपीएससी एंड ईएमआरएस के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम के ओनली तीन ही टॉपिक्स मेंशन है ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन फंक्शन एंड यूज़र इंटरफेसिस तो उसी से रिगार्डिंग जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास एंड लास्ट क्लास में बुलियन एल्जेब्रा लॉजिक गेट्स एंड नंबर सिस्टम के एमसीक्यूज को हमने कवर किया था तो यहाँ पे देखिए जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका बनता है वो क्या है कंप्यूटर सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी नंबर ऑफ कंपोनेंट्स तो यहाँ पे देखिए फोर इसका आंसर रहेगा चार कंपोनेंट्स में डिवाइड होता है कौन कौन सा इनपुट यूनिट आउटपुट यूनिट सीपीयू एंड मेमोरी यूनिट मेन पर्पस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज कंप्यूटर सिस्टम इज कन्वीनियंट टू यूज यूज द कंप्यूटर हार्डवेयर इन एन एफिशियंट मैनर या बोथ या नन ऑफ दीज तो यहाँ पे आपका आंसर बोथ रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम इन दोनों पर्पज के लिए यूज होता है टिंग सिस्टम इज इंटरमीडियरी बिटवीन ए यूजर ऑफ कंप्यूटर एंड दूटर हार्डवेयर ये बात करेक्ट है एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज सिमिलर टू ए गिवन इन्वायरमेंट ये बात भी क्या है करेक्ट है तो यहाँ पे ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा बोथ टर्न अराउंड टाइम इज डिफाइंड एज ये टर्न अराउंड टाइम शेड्यूलिंग एलगोरिजम से रिलेटेड क्वेश्चन है वैसे शेड्यूलिंग एलगोरिदम मैं नहीं है फिर भी मैंने ये एक क्वेश्चन इसके अंदर मुझे इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने यहाँ पे मैंशन किया है टर्न अराउंड टाइम इज डिफाइंड एज डिले बिटवीन जॉब सबमिशन एंड जॉब कम्पलीशन वेटिंग टाइम बोथ या नन ऑफ दीज तो टर्न अराउंड टाइम किसे कहते हो जब आप जॉब को सबमिट करते हो एंड जब आप जॉब को कम्प्लीट करते हो उसके बीच में जो डिले हो रहा है वो ऑपरेटिंग सिस्टम इज रेजिडेंट इन मेमरी ऑफ विच पार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ रहता है मेमरी को दो पार्ट होते हैं एक लोअर पार्ट एंड एक अपर पार्ट तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी मेमरी में रिजाइड करता है ऑपरेटिंग तो सिस्टम आपका अपर पार्ट के अंदर रिजाइड करेगा कार्ड रीडर इज एन एग्जाम्पल ऑफ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी प्रोग्रामिंग मल्टी टास्किंग एंड नन ऑफ थीज देखिए हमें कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स क्या होते हैं कौन कौन से होते हैं एंड उनके बारे में सिंपल सी एक डेफिनेशन तो आपको पता होनी चाहिए कि भाई बैच के अंदर क्या होता है मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर क्या होता है ये सब ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है लेकिन सिर्फ एक एक लाइन के अंदर आपको उसको डिफाइन करना आना चाहिए तो यहाँ पे जो आपका कार्ड रीडर है वो किसका एग्जाम्पल रहेगा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का ये एग्जाम्पल रहेगा लाइन प्रिंटर इज ऑनलाइन डिवाइस ऑफलाइन डिवाइस बोथ या नन ऑफ दिस तो लाइन प्रिंटर आपका एक ऑफलाइन डिवाइस होता है टाइम शेयरिंग मस्ट ऑल्सो प्रोवाइड ऑनलाइन सिस्टम ऑफलाइन सिस्टम बोथ या नन तो टाइम शेयरिंग के अंदर क्या होता है गिवन स्लोट प्रोवाइड किया जाता है एंड इसलिए इसे ऑनलाइन सिस्टम कहा जाता है मल्टीप्रोसेसर इज यूज बिकॉज इट सेवज मनी कंपेयर टू मल्टीपल सिंगल सिस्टम ये बात करेक्ट है दे इंक्रीज रिलायबिलिटी ठीक है डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेबिलिटी ये भी ठीक है तो मल्टी प्रोसेसर के लिए ये ऑल ऑफ दीज ऑप्शन करेक्ट रहेगा मेन फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है वो भी एक टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में ही आता है क्या है ये अगर आपके टाइप्स के बारे में आपको नहीं पता है तो क्लास देख लेना एक बार एक जनरल सा ओवरव्यू ले लेना फास्ट ट्रैक में चल के देखना जल्दी कवर हो जाएगा अगर आपको थोड़ा बहुत भी आता है तो मेन फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इज रिसोर्स शेयरिंग कंपाइलेशन स्पीड अप रिलायबिलिटी या ऑल ऑफ दीज तो यहाँ पे ये ऑल ऑफ दीज रहेगा हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के लिए एक ये क्वेश्चन है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन लगभग सभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है ठीक है अगर हम सिलेबस की बात करें तो ये सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है क्योंकि ये डेड से रिलेटेड क्वेश्चन है लेकिन ये एक ही क्वेश्चन रिपीट होता रहता है बस यहाँ पे ये नंबरिंग चेंज हो जा चेंज हो जाती है तो एक बार देख लो कि ये वाला क्वेश्चन सोल्व कैसे होता है ए कंप्यूटर हैज सिक्स टेप ड्राइव्स विद एन प्रोसेस कंपीटिंग फॉर दैम ईच प्रोसेस मे नीड टू ड्राइव वट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन फॉर दिस सिस्टम टू बी डेड फ्री सिक्स मतलब कि यहाँ पे जो n है उसकी वैल्यू कितनी हो कि हमारा डेडलॉक ना आए ठीक है डेडलॉक का मतलब क्या होता है कि डेडलॉक का मतलब ये होता है कि आपके पास दो रिसोर्स है ठीक है एंड दो प्रोसेस है एक रिसोर्स एक प्रोसेस ने ले लिया एक रिसोर्स दूसरी प्रोसेस ने ले लिया इसको भी दोनों रिसोर्स चाहिए कंप्लीट होने के लिए इसको भी दोनों रिसोर्स चाहिए कंप्लीट होने के लिए लेकिन ना ये अपना रिलीज कर रही है ना ये अपना रिलीज कर रही है तो इसका मतलब क्या हुआ ना तो कोई रिसोर्स रिलीज होगा ना ही कोई प्रोसेस कंप्लीट होगी काम क्या हो जाएगा वही की वही रुक जाएगा तो यही चीज क्या कहलाती है डेड लॉग कहलाती है ठीक है अब यहां पे देखो ये वाला क्वेश्चन के लिए आपको एक जो पे एक शॉर्ट फॉर्मूला होता है शॉर्ट ट्रिक होती है आपको वो यूज करनी पड़ेगी ठीक है ट्रिक क्या है आज ग्रेटर देन इक्वल्स टू इक्वल्स टू पी इंटू में एम माइनस वन प्लस में वन ठीक है अब यहाँ पे आर कितना है नंबर ऑफ रिसोर्स नंबर ऑफ रिसोर्स कितने हैं आपके सिक्स है इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू पी क्या है पी यहाँ पे आपको एन है मतलब कि ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है एन हो गया इन में एम कितना है कि कितने रिसोर्स की एक प्रोसेस को रिक्वायरमेंट है तो ईच प्रोसेस तो में नीड टू ड्राइव्स तो टू माइनस में वन प्लस वन अब इसको सॉल्व करिए टू माइनस वन कितना हो जाएगा वन हो जाएगा तो सिक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन प्लस वन ठीक है यहाँ पे क्या हो जाएगा फाइव इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन तो मतलब अगर आपका एन या तो पांच रिसोर्स हो या फाइव से कम हो फाइव या फाइव से कम रिसोर्स अगर हुए तो डेड लोग नहीं आएगा ठीक है तो अगर फाइव से ज्यादा रिसोर्स हो गए तो क्या आएगा फाइव से ज्यादा रिसोर्स की अगर डिमांड हुई तो हमारा क्या आएगा डेट लोकलाइज हो जाएगा तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा आपका फाइव ठीक है टाइप ऑफ रियल रियल टाइम टाइम सिस्टम सिस्टम इज अब दो के होते हैं सॉफ्ट एंड हार्ड सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है जिसके अंदर थोड़ी बहुत टाइमिंग आगे पीछे हो सकती है काम करने में हार्ड कौन से होते हैं जिसमें आपको जितना टाइम लिमिट दिया गया है उसी के अंदर आपका काम होना चाहिए तो रिस्ट्रिक्टिव कौन हुए हार्ड रियल टाइम सिस्टम हुए इज एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम मल्टीमीडिया वर्चुअल रियलिटी अंडर सी एक्सप्लोरेशन ऑल ऑफ तो ऑल ऑफ विच वन इज हार्ड ऑफ विच वन इज हार्ड ऑफ हार्ड रियल टाइम सिस्टम यहाँ पे क्या आएगा हार्ड आएगा इसको करेक्ट कर लीजिए विच वन इज ऑफ हार्ड रियल टाइम च वन इज एग्जाम्पल ऑफ हार्ड रियल टाइम सिस्टम ठीक है ये थोड़ा सा मिस प्रिंट है इसको करेक्ट करिए विच वन इज एग्जाम्पल ऑफ हार्ड रियल टाइम सिस्टम ये इसके अंदर पूछा गया है तो हार्ड रियल टाइम का एग्जाम्पल क्या है रोबोटिक्स इंडस्ट्रियल कंट्रोल बोथ या नन ऑफ दीज तो बोथ रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम लिंक्स ए प्रोग्राम विद सब रूटीन इट रेफरेंसेस प्रोवाइड्स ए लेयर यूजर फ्रेंडली इंटरफेस प्रोग्रामर टू ड्रॉ ए फ्लो चार्ट ऑल ऑफ दीज तो यहाँ पे देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है प्रोवाइड्स ए लेयर यूजर फ्रेंडली इंटरफेस तो यहाँ पे ऑप्शन सेकेंड आपका क्या रहेगा करेक्ट रहेगा मल्टी प्रोग्रामिंग वॉज मेड पॉसिबल बाय इनपुट आउटपुट यूनिट्स दैट ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ सीपीयू, ऑपरेटिंग सिस्टम बोथ या नन ऑफ दीज तो इन दोनों की वजह से ही मल्टी प्रोग्रामिंग क्या हुई है पॉसिबल हो पाती है द टर्म ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच कंट्रोल कंप्यूटर वर्किंग द वे कंप्यूटर ऑपरेटर वर्क्स कन्वर्जन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इंटू मशीन कोड वे ऑफ फ्लॉपी डिस्क ड्राइव ऑपरेट क्या पूछ रहा है टर्म ऑपरेटिंग सिस्टम मीनस तो क्या करके आओगे आप ऑप्शन में ए करेक्ट करोगे या बी को करेक्ट करोगे बताइए तो यहाँ पे देखिए जो आपका ऑप्शन बी क्या रहेगा करेक्ट रहेगा द वे कंप्यूटर ऑपरेटर वर्क टू बेसिक टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर सीक्वेंशियल एंड डायरेक्ट बैच एंड टाइम शेयरिंग सीक्वेंशियल एंड रियल टाइम बैच या इंटरेक्टिव यहाँ पे दो टाइप्स होती हैं बैच एंड इंट्रेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सुपरवाइजर परफॉर्मेंस मॉनिटर जॉब कंट्रोल प्रोग्राम इनपुट आउटपुट कंट्रोल प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या पार्ट नहीं है तो परफॉर्मेंस मॉनिटर नहीं है ऑल द टाइम ए कंप्यूटर इज स्विच ऑन इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हैज टू स्टे इन मेन स्टोरेज प्राइमरी स्टोरेज फ्लॉपी डिस्क और डिस्क ड्राइव जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम को कहाँ पे होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम को प्राइमरी स्टोरेज में होना चाहिए द प्राइमरी जॉब ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू कमांड रिसोर्सेज मैनेज रिसोर्सेज प्रोवाइड यूटिलिटीज बी यूजर फ्रेंडली ये चारों ही ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या है जॉब होती है लेकिन प्राइमरी यहाँ पे पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो जाता है प्राइमरी यहाँ पे पूछा जा रहा है तो मैनेज रिसोर्सेज विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज यूज टू सिंप्लीफाई यूजिंग ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर स्प्रेडशीट ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट टाइम शेयरिंग या मल्टीटास्किंग तो क्या क्वेश्चन कह रहा है कौन सा सॉफ्टवेयर आप यूज करोगे टू सिंपलीफाई यूजिंग ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है तो यहाँ पे टाइम शेयरिंग आपका क्या होगा सही होगा टू एग्जीक्यूट मोर देन वन प्रोग्राम एट ए टाइम द सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज्ड मस्ट बी कैपेबल ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग वर्चुअल मेमोरी कपलिंग या मल्टीटास्किंग एक साथ ज्यादा काम करना है तो क्या होता है मल्टीटास्किंग ए फ्रंट एंड प्रोसेसर यूज मल्टी प्रोग्रामिंग वर्चुअल स्टोरेज मल्टी प्रोसेसिंग तो यहाँ पे फ्रंट एंड प्रोसेसर यूज टू टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर रूटीस या ऑल ऑफ दिस तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है एक सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर रूटीन करके कलेक्शन होगा कंप्यूटर कैन नोट बूट इफ इट डेव कंपाइलर लोडर ऑपरेटिंग सिस्टम असेंबलर बूट क्या होता है बूटिंग का मतलब अपना सिस्टम स्टार्ट कर रहे हो अगर कंप्यूटर के अंदर विंडो ही नहीं है तो सिस्टम स्टार्ट नहीं होगा मतलब क्या नहीं है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है विच ऑफ दोट एंड ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स एम एस्टोस पासकल सी पी वाई एम कौन सा यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो पासकल नहीं है पासकल एक लैंग्वेज है

और बी दि यूज इन कंप्यूटर इज एम एस टू यूनिक आंसर रहेगा विच ऑफ दिस्टम राइट थ्रू कैच ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है काफी बार रिपीट हुआ है राइट थ्रू कैच कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होती है तो डोस के अंदर होती है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम सी ए रेक्टर यूजर इंटरफेस बेस्ड ये ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड दूसरा आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज प्रोग्राम इज विंडोजाउन मेन्यूज आइकन्स ऑल ऑफ दीज तो ऑल ऑफ दीज रहेगा देश सिस्टम विच वॉज ऑरिजिनली डिजाइन बाय साइंटिस्ट एंड इंजीनियर फोर यूज बाय साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स इज कॉल्ड साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स के यूज करने के लिए बनाया गया था कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम था वो यूनिक्स द कर्नल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम रिमेंस इन प्राइमरी मेमोरी एंड अदर पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम रिमेंस एट सेकेंडरी स्टोरेज बिकॉज़ इट इज मोस्टली कोल्ड इट मैनेज ऑल इंटरप्ट कॉल्स इट कंट्रोल्स ऑल ऑपरेशन इन ए प्रोसेस इट इज लो लेवल क्योंकि इट इज मोस्टली कोल्ड नल प्रोसेस तो हैं। ऑफ दूटिव टास्क मैनेजर कर्नल और स्पूलर यहाँ पे एक्जीक्यूटिव कर्नल एंड स्पूलर ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है टास्क मैनेजर यहाँ पे क्या रहेगा ओड वन रहेगा प्रोसेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर एग्जीक्यूशन नीड्स थ्रो पु टाइम रिसोर्स बोथ ए एंड बी एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए क्या चाहिए रिसोर्स चाहिए वट शुड बी द एक्सटेंशन टू एक्जीक्यूट फाइल्स ई एक्सी बी ए टी सी ओ एम ऑल ऑफ दीज तो एग्जीक्यूट फाइल्स की एक्सटेंशन पूछ रहा है ई एक्सी होती है Which one of the following is not the function of operating system resource management file management networking management processor management ठीक है ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है आंसर जो भी आपको आए कमेंट करके बताइएगा सही है या नहीं मैं चेक करके आपका रिप्लाई दूंगी ठीक है क्लासेस अच्छी लगती हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिएगा थैंक यू